आर्ट नोज ऑफ नो एज, कला किसी की उम्र की मोहताज नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी। जिस तरह का प्रभाव छोड़ने की एक कलाकार कल्पना करता है, जिस तरह की लेगेसी कायम करने की एक कलाकार अपेक्षा रखता है, उससे कई ज्यादा इस रचनाकार ने अपने जीवन में हासिल किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धू मूसेवाला की। इनके बारे में और जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सिद्धू ने अपने 6 साल के प्रोफेशनल करियर में कई गाने गाए हैं। कई तरह से कई दूसरे आर्टिस्ट के करियर को उठाने में उनकी मदद करी, कई नए टैलेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया, तो कई प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर उनके काम को मीनिंग दिया। सिद्धू जिस भी पीस ऑफ आर्ट से जुड़े थे उसे बेहतर बनाकर निकले थे। कुछ इस तरह का प्रभाव था जीते जी उनका म्यूजिक पर। जिस तरह एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति समाज में क्रांति लाता है, उसी तरह सिद्धू भी इंडियन म्यूजिक में एक रेवोल्यूशन बनकर आए। उन्होंने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म, अपने काम और अपने प्रोफेशनल लेगेसी पर जोर दिया। उन्होंने कम समय में इतना ज्यादा इम्पैक्ट कुछ इस तरह छोड़ा जैसे मानो उन्हें जिंदगी की प्रिडिक्टेबिलिटी का एहसास था। सिद्धू बिना किसी शक के हमारे देश के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे हैं, और जिस तरह से उनका जीवन अंत हुआ वो वाकई एक दिल दहलाने वाला हादसा था। शायद सिद्धू जैसे रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट के लिए ही कहा गया है कि वन कैन किल द आर्टिस्ट बट नॉट द आर्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप सिद्धू मूसेवाला के चले जाने के बाद भी उनकी आर्ट दर्शकों के दिलों में सदियों तक जिंदा रहेगी, और यही सिद्धू मूसेवाला की सबसे बड़ी जीत रहेगी। 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में एक सिख परिवार में एक प्रसिद्ध इंडियन सिंगर, रैपर, एक्टर, सॉन्ग राइटर और एक पॉलिटिशियन का जन्म हुआ, जिसका नाम सुखदीप सिंह सिद्धू था, जो सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में काफी रुचि रखने वाले सिद्धू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने पंजाब के ही गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और बैचलर की डिग्री प्राप्त करी। पढ़ाई के साथ साथ सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट रहा। उनके घर वाले और स्कूल वाले भी बताते हैं कि 5वीं क्लास से ही सिद्धू फोक म्यूजिक गाया करते थे, और इसी क्रम में उन्हें हिप हॉप म्यूजिक से भी विशेष लगाव हो गया। म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने अपने म्यूजिक स्किल्स को डेवलप करने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने लुधियाना में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और इसके बाद खुद को एक कलरफुल सिंगर बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद सिद्धू ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने का फैसला किया और अपने गाने के लिए एक पॉपुलर पंजाबी गीतकार को अप्रोच किया, पर उन्होंने गाना देने से मना कर दिया। इस घटना ने सिद्धू के अंदर के लेखक को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता दिखाया, और उन्होंने अपना करियर 2016 में निंजा के गीत लाइसेंस के लिए एक गीतकार के रूप में शुरू किया, और 2017 में गुरलेज अख्तर के साथ डुएट सॉन्ग जी वैगन के मुख्य कलाकार के रूप में शुरू किया। अपने पदार्पण के बाद उन्होंने विभिन्न ट्रैक के लिए ब्राउन बॉयज के साथ सहयोग किया। उनके ट्रैक यूके एशियाई संगीत चार्ट के टॉप पर रहे। उनका गाना बम्बिया बोले ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पर टॉप 5 में शामिल था। 2021 में उन्होंने मूव टेप जारी किया, जिसके ट्रैक बिलबोर्ड ग्लोबल 200, बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव सहित विश्व सतह पर चार्ट किए गए। यूएस कैनेडियन हॉट 100, यूके एशियन और न्यूजीलैंड हॉट चार्ट, बिलबोर्ड इंडियन सिंगल्स चार्ट पर उनका सर्वाधिक नंबर 1 है। 2021 में मूसेवाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल में शामिल हो गए और मनसा के लिए 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में असफल रहे। 29 मई 2022 को मूसेवाला की गोल्डी बरार ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला अभी जीवित तो नहीं है, पर अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।